नोटबैंक पर हंगामे के बाद राज्यसभा चौथी बार 2 बजे तक स्थगित, लोकसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सदन परिसर में टीएमसी सांसदों ने अपना विरोध जताया। नोट बैन पर विपक्ष की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच की मांग, सरकार बोली सदन में चर्चा के आधार पर हम करेंगे फैसला। सरकार ने पुराने नोट बदलने की लिमिट घटा दी है, कल से 4500 रुपए की जगह अब सिर्फ 2000 रुपए तक के पुराने नोट ही बदल सकेंगे। नोटबंदी से राहत के लिए सरकार का बड़ा फैसला, किसान अब एक हफ्ते में अपने खाते से निकाल पाएंगे 25,000 रुपए। जिनके घर शादी ब्याह है वो 2.5 लाख तक निकाल सकते हैं, सिर्फ शादी का कार्ड दिखाएं 2.5 लाख निकालें। नोटबंदी के बाद हालात की समीक्षा के लिए थोड़ी देर में वित्त मंत्री जेटली करेंगे बैठक, वित्त मंत्रालय के अधिकारी बैंकों के प्रमुख रहेंगे साथ में मौजूद। काले धन के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई जगह आईटी का शिकंजा, छापेमारी के बाद तुलसियानी ग्रुप के 4 बैंक लॉकर सीज, नोएडा में आम्रपाली बिल्डर के ठिकानों पर रेड। छब्बीस दिन बाद समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव का निष्कासन रद्द, सारे पुराने पद वापस मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एसपी से बर्खास्त एमएलसी की भी हो सकती है वापसी। घर में ही था और टेक्निकली पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन हमने हमेशा कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, समाजवादी पार्टी में का जन्मजात सदस्य हूँ। मिशन उत्तर प्रदेश पर फतेह की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में परिवर्तन यात्रा करेंगे अमित शाह।